हे गाइस, तो बताना आप कैसे हो। ये तो आप सब समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा माहौल जो है हम लोग सभी अपने घर में बिल्कुल बोर फील कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खैर क्या कर सकते हैं, हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, बाहर नहीं निकलना है। यही एक बेहतर उपाय है कोरोना से बचने का। तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए और अपने फैमिली को भी सेफ रखिए। क्योंकि आप एक पर्सन किसी फैमिली का अगर इससे ग्रसित होता है तो आप समझ सकते हो कि इसके आगे फिर क्या होगा। खैर इस पर बात हमें नहीं कर रहा, आप टीवी चैनल सब कुछ देख रहे हो, इस पर बहुत सारी जानकारियां मिल रही है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही छोटा है और आंसर भी बहुत छोटा होने वाला है। बस फर्क यह है कि थोड़ा स्टेप जो है, प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और अदरवाइज और कुछ नहीं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है एक्स वाई इक्वल ई का पावर एक्स माइनस वाई और मेरे को फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डेक्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दो बनाने का तरीका है। हाँ, हो सकता है उसमें आंसर आपका डिफर करेगा। सबसे पहली बात तो बिना लॉग लगाए भी बना सकते हो। लॉग बिना लॉग लगाए बनाओगे उसका आंसर कुछ और आएगा और लॉग लेकर बनाओगे उसका आंसर कुछ और होगा। बिल्कुल जो है फैक्ट है। तो आइए आइए लॉग लगाते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट। लॉग लेने से क्या फायदा होता है कि सॉल्यूशन आपका आसान हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन अगर होगा तो सॉल्यूशन इजी लगेगा और आराम से बन जाएगा। तो हम जब यहां पर दोनों साइड लॉग लेंगे तो समझ सकते हो ये यू इंटू बी है। तो अपने लिख ही देता हूं लॉग एक्स वाई डेट इक्वल लॉग ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। इज इट क्लियर। देखिएगा ये लॉग एम इंटू एन है तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग एम प्लस लॉग एन डेट इक्वल और ये एक्स माइनस वाई आपका यहां हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग e to the base e। और बचपन से आप जानते हो log e to the base e का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे को क्या एक रिजल्ट आएगा log x plus log y that equal x minus y into 1 क्या होगा x minus y। क्लियर। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हमें तो फाइंड क्या करना है d / dx। तो क्या कर रहा है यहां पर कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख पा रहे हो डी लॉग एक्स बाई डी एक्स होगा प्लस इसको जब हम तोड़ेंगे तो डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा कि नहीं होगा। मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो डी लॉग एक्स बाई डी एक्स प्लस डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इज इट क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं। और यहां पर हमारा क्या है, एक्स माइनस वाई है। तो एक्स माइनस वाई को जब हम तोड़ेंगे क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स होगा ना। ऐसा गौर माना, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा क्योंकि बनाने में एनर्जी लगता है, आप सभी जानते हो। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो log x को हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे log x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 by x plus log y का क्या होता है, 1 by y into dy by dx that equal और dx का dx यहां पर क्या होगा, 1 होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 minus dy by dx। यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल बखूबी अच्छे से क्लियर हुआ हो। मैंने क्या किया, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, सबसे पहले लॉग लिया दोनों साइड, उसके बाद क्या किया, एक्स के रेस्पेक्ट में मैं यहां पर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, है ना। अब आगे यहां पर सॉल्व करता हूं तो मैं यहां पर लेता हूं 1। एक बात बताइए मुझे, हमें तो डिवाइडेशन करना है तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि डीवाई बाई डी एक्स वाले टर्म को 1 साइड करते हैं और बिना डीवाई बाई डी एक्स वाले को 1 साइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या है, 1 बाई वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स, वन बाई वाई इंटू डीवाई डी एक्स और यहां देखिए माइनस डीवाई बाई डी एक्स है तो लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस डीवाई बाई डी एक्स डेट इक्वल। अब यहां पे क्या बच गया, यहां पे क्या आपका 1 तो 1 लिख दीजिए, माइनस
वन बाई एक्स है यहाँ पे, तो वन बाई एक्स जब राइट साइड जाएगा तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइड चेंज साइन चेंज, तो वन बाई एक्स। अब हमें तो डी बाई डीएक्स फाइंड करना है, तो डी बाई डीएक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, क्या लग रहा है आपको, कॉमन समझ लग रहा है ना। मैं अक्सर कहा करता हूं कि किसी भी सॉल्यूशन में, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो, अगर आपको कॉमन नजर आ रहा है तो बेशक आराम से आप कॉमन लिया करो। यहाँ पे हम डी बाई डीएक्स जब कॉमन लेंगे तो मेरे को यहाँ पे वन बाई वाई प्लस वन डेट इक्वल, इसका एलसीएम आपका एक्स हो जाएगा, तो एक्स माइनस वन, क्लियर है, ऐसा होगा। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, जब इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे को वाई हो जाएगा, तो वन प्लस वाई डेट इक्वल एक्स माइनस वन बाई एक्स, ऐसा होगा ना। क्या फाइंड करना है, डी वाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप बखूबी अच्छे अंदाज में अच्छे से समझ पा रहे हो और आप अच्छे प्राणी भी हो, कैसे कब क्या करेंगे, वाई इंटू उधर जाएगा, तो क्या लिखेंगे, वाई इंटू एक्स माइनस वन, देखो ना भाई, y into x minus 1 by x into, यहां x है ना, और यहां यहां into में है, तो by में आ जाएगा, क्या लिखेंगे, y plus 1 या 1 plus y, बात है कि है, और हमें यही तो find करना था dividers, और आपका answer आपके सामने है। कितना बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन तरीके से मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिया, और ये क्वेश्चन आपको बता दो, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट आपको आपके जहन में बिल्कुल सेट हो गया होगा, उम्मीद है आपको अगर सेट हो गया, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो इतना ही।